नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। असम में हो रहे वोटिंग के बाद कल जबरदस्त हंगामा बराक वैली के करीमगंज में देखने को मिला। इसकी वजह बीजेपी के एक उम्मीदवार के परिवार की गाड़ी के अंदर से ईवीएम की मशीन मिली। दरअसल सैकड़ों लोगों ने कल ईवीएम रखने की निजी गाड़ी को घेर लिया और हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी और विरोध इस बात को लेकर हो रहा था कि करीमगंज के जिले की पतरकंटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल के परिवार की है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों का तुरंत ही हरकत में आ गई। कांग्रेस का कहना है कि ये बूथ कैंजरिंग है और सब कुछ चुनाव आयोग के नाक के नीचे से हो रहा है।